बड़ा अच्छा लग रहा है फिर से एक बार। धन्यवाद धन्यवाद मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। सर इस बार आप फेमारु भक्ति का गीत रामायण ले आ रहे हैं, राम को फिर से हमारी आंखों के सामने आप उनकी स्टोरी दोहरा रहे हैं, तो कैसे महसूस हो रहा है? आप राम का आपका नाता बड़ा पुराना है, इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे शेमारू भक्ति यूट्यूब चैनल को और हमारे गोविंद जी को जो इस प्रोजेक्ट के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और हमारी बहन मनीषा को ये सारा क्रेडिट जाता है क्योंकि इतना खूबसूरत ये प्रोजेक्ट मुझे जो गाने को मिला है मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। और इसमें पूरी गीत रामायण 1.5 घंटे में बिठाई हुई है, हालांकि बाकी हमने सुनी है बहुत समय लगता है, मगर 1.5 घंटे में इसको पूरा बिठाया हुआ है। इसके जो राइटर है द्विवेदी साहब, रमन द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है और बड़ा खूबसूरत, हर प्रसंग इतना खूबसूरत। मैं गाते गाते भी बीच में गोविंद जी को कहता था कि कितना खूबसूरत शब्दांकन किया हुआ है इसमें, तो बहुत मज़ा आता है, एक भक्तिमय वातावरण हो जाता है गाते वक्त। जो हुआ था मुझे बहुत मज़ा आया था, हालांकि उन दिनों मेरी तबीयत थोड़ी सी नरम थी, मगर प्रभु रामचंद्र जी ने अपना कार्य जो है वो पूरा करवाना था तो करवा लिया उन्होंने, सब उनकी भक्ति का और उनका आशीर्वाद का ही फल ही है। और गीत रामायण इतने अच्छे से 1.5 घंटे में पहली बार हो रही है, तो मैं बहुत शेमारू का मैं आभारी हूँ, और आप सब लोग इसको सुने और हम सबको आशीर्वाद दें, आपको सही मानों में आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और भक्ति में लीन होने जैसा आपकी अवस्था हो जाएगी। मनीषा जी, सुरेश जी जैसे इतने दिग्गज कलाकार एंड द अमेजिंग कंपोजर जिन्होंने, जिनको आपने साथ लाया और ये ब्यूटीफुल सा गीत रामायण बनाया है, इसका थोड़ा सा हमको ब्रीफ दे सकते हैं कि कैसा ये प्रोजेक्ट हुआ? देखिए, रामलला का जब मंदिर का लोकार्पण होने वाला था, पूरा भारत, पूरा विश्व ही प्रभु राम के लिए काफ़ी चीज़ें बना रहा था, उनको अर्पित कर रहे थे, तो हमने शेमारू में भी ये कोशिश की कि प्रभु राम के साथ जुड़ी हुई बालपन से लेके उनके विवाह तक पूरी रामायण करने की एक इच्छा हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने और किया। हमने इनफैक्ट एक पूरी सीरीज़ को लॉन्च किया श्री राम भक्ति उत्सव करके, जिसमें उनके जन्म की आरती, उनकी सीताराम विवाह गीत है उसमें, उनकी प्राचीन आरती है, और अभी हमने गीत रामायण सुरेश जी के साथ में किया है। और जब इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन हो रहा था कि इसे कौन गाएगा, तो एक चीज़ एकदम क्लियर थी कि अगर गाएंगे तो सुरेश जी गाएंगे, नहीं तो कोई नहीं गाएगा। तो वो प्रभु का आशीर्वाद था और गोविंद जी की पूरी मेहनत, गोविंद जी के साथ बहुत पुराना एसोसिएशन रहा है, वो बहुत ही अच्छे भक्ति संगीत में तो पारंगत है ही हैं, क्लासिकल म्यूजिक में भी पारंगत हैं, बहुत गुणी कलाकार हैं, बहुत गुणी कंपोजर हैं, और स्वर्गीय रविंद्र जैन जी के साथ काफ़ी क्लोज एसोसिएशन था गोविंद जी का, तो आपको इनकी कॉम्पोजिशन में भी कहीं ना कहीं रविंद्र जैन जी का आशीर्वाद भी शायद सुनाई देगा। वो जो जैसे उन्होंने रामायण का म्यूज़िक उन्होंने दिया था, मुझे लगता है कि आज के समय में अगर कुछ कोई भी उसको थोड़ा सा छू पाएगा तो शायद ये वाली कृति है जो गोविंद जी ने कंपोज किया, और सुरेश जी ने तो एकदम उसमें प्राण फूंक दिए हैं। सो हम लोग बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं सुरेश जी के, एज अ कंपनी, एज अ इंडिविजुअल, कि उन्होंने इस चीज़ का, अपनी तबीयत खराब होने पर भी उन्होंने पूरा समय दिया और गाया। और बस यही कहूंगी कि ये आशीर्वाद है, ये प्रभु का आशीर्वाद है हम सभी पर कि ये चीज़ बन पाई। और सबसे बढ़िया बात ये है कि आज हम जो मंगलवार के दिन हनुमान जी के जो इष्ट देव हैं उनके प्रोजेक्ट को आज हम रिलीज कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं, नवरात्र है, पहला नवरात्र भी है, गुड़ी पाड़वा भी है, उगाड़ी भी है जी। सो बस सब कुछ अच्छा एक फील हो रहा है और ये उन्हीं का आशीर्वाद है तो हम लोग ये कर पा रहे हैं।
जब मनीषा जी ने शेमारु भक्ति से आपके पास कनेक्ट किया गीत रामायण के लिए, तो आपकी फीलिंग कैसे थी? और जो सुरेश जी लव द कंपोजिशन, तो आप कुछ कहेंगे? देखिए, तो सबसे राम जी का काम होना था, तो राम जी अपने लिए लोग चुन लेते हैं, उन्होंने शायद ये मौका मुझे दिया। और काफ़ी समय तक इसमें सिर्फ संगीत का ही काम नहीं है, इसमें सबसे पहले जो लेखनी है श्री रमन द्विवेदी जी की, हमने कल्पना की, मनीषा जी से बात हुई, हम 3-4 महीने पहले से बात कर रहे थे, कई बार इसको लिखा गया, कई बार पसंद मुझे नहीं आया, कई बार मैंने कंपोजिशन बनाई पसंद नहीं आई चीज़ें, खैर एनीवेज ये जब रिकॉर्डिंग तक पहुंची बातचीत आई तो हम तो श्योर थे ये चीज़, क्योंकि मेरे जहन में जब भी कुछ बनता है तो मैंने सुरेश जी को भी कहा था कि मेरे दिमाग में पहले जो छवि आती है सिंगर की वो सुरेश जी की आती है, जो मैंने इनको कहा था। और सुरेश जी की आप बिलीव कीजिए कि ये तो ठीक है राम जी ने करवाया जैसा सुरेश जी ने कहा है, सुरेश जी ने 2-2 शिफ्ट गाया, जिनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इनके चेस्ट में परेशानी थी, लेकिन 2-2 शिफ्ट सुरेश जी ने गाया। और मैं आज भी ये कह रहा था कि ऐतिहासिक चीज़ है, और मेरे लिए तो वास्तविक में सुरेश जी ने गाया है ये चीज़ें, ये आज कल कभी भी अमर चीज़ रहेगी ये चीज़ें, इसमें सभी कांड का जिक्र है, इसमें वैसे ही सवैया की कंपोजिशन कल्पना की गई, छंद की कल्पना की गई, चौपाइयों की कल्पना की गई, दोहा की कल्पना की गई, जो भाषा है भाषा की भी उसी परंपरा के मुताबिक भाषा की भी वो रखी गई। तो रमन द्विवेदी जी की बहुत मेहनत है, हमने भी जहाँ तक कोशिश की, लेकिन सुरेश जी का सबसे ज़्यादा धन्यवाद है क्योंकि साकार रूप तो इन्होंने ही दिया है उसका। सर, मतलब एक संगीतकार गाना पिरोता है लेकिन आप उसमें प्राण फूंक देते हो, जैसे मनीषा जी ने कहा, तो कैसे महसूस हुआ आपको ये गाना गाती है, गीत रामायण गाते हुए? और हमारे लिए प्लीज़ थोड़ा सा 2 लाइन आप अगर गुनगुना दें। बहुत अच्छा ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, और जैसे गोविंद जी ने कहा, शब्द और सुर का मिलन हो जाता है जब, और वो खूबसूरत मिलन हो जाता है, तो उसमें से इस तरह की चीज़ें बनती है। शब्दों को न्याय देना संगीत के द्वारे से, संगीत से शब्दों को न्याय देना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़, अगर ऊपर वाले ने करानी होती है तो वो करवा लेता है, और उसमें भाग्यशाली गोविंद जी हैं, मैं हूँ, हमारी मनीषा जी हैं, तो उस वक्त जब शब्द क्या कह रहे हैं, उसमें सुर क्या आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपको उसमें लीन कर देता है, क्योंकि अंदर से आपको जो अंदर की आवाज़ से आप गाते हैं वो शब्दों को और सुरों को देखते हुए, और तभी इस तरह की चीज़ बनती है। और शब्दों को संगीत का अच्छा न्याय नहीं मिले ना, तो खाली गाना बनता है, नहीं तो अगर अच्छा मिलन हो जाए संगीत और शब्दों का तो यादगार गाना बनता है। तो वैसे ही ये यादगार, और जैसे इन्होंने कहा कि आज कल परसों आने वाले समय में भी इसको सुना जाएगा, इतनी अच्छी चीज़ हमने बनाने की कोशिश की है, बाकी तो हमारे माई बाप है सुनने वाले, बिल्कुल उनका तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कोई भी काम का चीज़ कामयाब नहीं होती। तो मैं सबसे हाथ जोड़ उनके चरणों में प्रार्थना है कि हमारा ये प्रोजेक्ट ज़रूर सुने, क्योंकि भक्ति भावना का ये प्रोजेक्ट है जो आपको सही मानों में, और पूरी उम्मीद है कि आपको भक्ति में प्रभु रामचंद्र जी की मूर्ति में आपको लीन कर देंगे। सर, आपसे 2 लाइन सुन, इसमें जो पहला हमारा मुखड़ा है, सुनो प्रेम से भक्त जनो ये रामायण श्री राम की, सुनो प्रेम से भक्त जनो ये रामायण श्री राम की,
मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर सीतापति सुख धाम की, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवर सीतापति सुख धाम की। देखिए कितना खूबसूरत। और इसके साथ में जब अभी साज आएंगे तो कितना मजा आएगा उसका, आप जरूर सुनिए और देखिए गीत रामायण शेमारू भक्ति यूट्यूब चैनल पर। जय श्री राम। जय श्री राम।